जिसने मन फिर लिया है, अगर वो तंदरुस्त है, उसकी माली हालत अभी बेहतर नहीं है, वो वक्त पर हमारा कर्ज अगर नहीं वापस कर पाया, तो अल्लाह फरमाता है कि जो तारीख तुम्हारे भलाई में हो गई थी, तो उसके अंदर थोड़ी सी उसको मोहलत दे, जब तक उसके पास आशाइश ना हो जाए, उसके पास आसानी का मामला ना हो जाए, उस वक्त तक मोहलत दे दो। और इसकी वजाहत हदीस के अंदर आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की रात वहां पर इसरा की रात मेराज के लिए जब गया, तो मैंने एक दरवाजे पर जन्नत के लिखा हुआ देखा कि जो सदका देता है, सदके का सवाब 10 गुना होता है, लेकिन जो इंसान किसी को कर्ज देता है, तो कर्ज देने का सवाब 18 गुना है, मेरे दरवाजे पर लिखा हुआ देखा। तो मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्रील, ये क्या मामला है, सदके का सवाब 10 गुना और कर्ज देने का सवाब 18 गुना, कर्ज देने का सवाब इतना बढ़ा हुआ क्यों है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी, दरअसल मामला ये है, कर्ज देने का सवाब इसलिए बढ़ा हुआ है, इंसान कर्ज जो लेता है वो इंसान बहुत ज्यादा मजबूरी की हालत में कुछ ना होने के बावजूद इंसान कर्ज लेता है, और जो सदका होता है, सदका इंसान जो लेता है वो तब लेता है, उसके पास होता है, होने के बावजूद भी इंसान सदका लेता है, लेकिन मकरूज कर्ज इंसान बहुत ज्यादा मजबूरी की हालत में लेता है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता। इस हदीस से ये भी मालूम हो रहा है कि हमको कर्ज बगैर किसी मजबूरी के लेना भी नहीं चाहिए, बगैर किसी मजबूरी के कर्ज लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हजरत जिब्रील ने जो तौजीह फरमाई है वो कर्ज के ज्यादा सवाब की ये फरमाई है कि इंसान कर्ज इस हालत में लेता है कि उसके पास कुछ नहीं होता, और सबका इंसान ऐसे हालत में ले जाए तो उसके पास मौजूद भी होना है, तो कर्ज बगैर किसी मजबूरी के लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कर्ज देना इसके मामले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से बड़ी पनाह मांगते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह, मैं कर्ज से और गुनाहों से तेरी पनाह चाहता हूं। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, आप कर्ज से इतनी ज्यादा पनाह क्यों मांगते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल मैं कर्ज से पनाह इसलिए मांगता हूं क्योंकि जब इंसान कर्ज लेता है, जब इंसान मकरूज हो जाता है, तो 2 गुना उसके साथ साथ इंसान करता है। 1 गुना तो इंसान ये करता है कि इंसान झूठ बोलता है, बिना वजह इंसान झूठ बोलता है, और दूसरा गुना ये करता है कि इंसान वादा खिलाफी करता है, जिसे आज हमारे यहां होता है। जब इंसान किसी का कर्ज ले लेता है और कर्ज लेने के बाद अब वापस करने का मामला आता है, तो इंसान तरह तरह के बहाने बनाता है और इंसान उसके अंदर वादा खिलाफी करता रहता है कि 2 दिन के बाद ले लेना, 10 दिन के बाद ले लेना, 10 दिन के बाद वो फिर मांगेगा, फिर वो कह देगा कि 10 दिन के बाद छोड़ लेना, 15 दिन के बाद ले लेना, यानी टालता रहता है। तो झूठ और इसी तरीके से वादा खिलाफी, ये 2 गुना कर्ज के साथ साथ इंसान के जिम्मे आ जाते हैं। और दूसरी एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं कुफ्र से और कर्ज से पनाह मांगता हूं। तो सहाबा किराम ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, क्या कर्ज का मामला कुफ्र तक पहुंच जाता है? आपने कर्ज के कुफ्र के साथ आपने मिलाकर के अल्लाह ताला से पनाह चाह रहे हैं, क्या कर्ज का मामला कुफ्र तक पहुंच जाता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दूसरी हदीस बयान फरमाई कि हाँ, ये झूठ होता है, झूठ और वादा खिलाफी, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि ये 2 सिफात आमतौर पर मुनाफिक के अंदर पाई जाती है, मुनाफिक के अंदर ये 2 सिफात पाई जाती है, एक झूठ और एक वादा खिलाफी। मुनाफिक की अलामात में से ये है कि जब किसी से कुछ बोले तो झूठ बोले, बगैर किसी मजबूरी के इंसान झूठ बोलता रहता है, जब किसी से वादा करे तो वादा खिलाफी करे, तो ये मुनाफिक की अलामतें हैं। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को कुफ्र के करीब कर देती है। इसलिए बड़ा सही मामला अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बगैर किसी मजबूरी के कर्ज हमको लेना भी नहीं चाहिए, और खास करके जो बैंकों से कर्ज लेते हैं उससे को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सूदी लेन देन का मामला होता है,
उसके अंदर सूद भी देना पड़ता है। तो कर्ज को बगैर किसी मजबूरी के लेना ही नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में बयान फरमाया कि एक हदीस में बयान फरमाया कि जब इंसान किसी को कर्ज देता है और कर्ज की मुद्दत वापस उसके मुतय्यन मुद्दत आ जाती है, उसके बाद में जो कर्ज खा है वो उस मुद्दत को उसकी तंदरुस्ती दे करके उसको मोहलत दे देता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जो दिन उसकी मोहलत का गुजरता है अल्लाह ताला हर दिन के बदले उसको सदके का थवाब बना रहा है। यानी जो मोहलत दे देता है कर्ज देने वाला, तो जितने दिन उसकी मोहलत के गुजरेंगे अल्लाह ताला हर दिन के बदले उसको सदके का थवाब अता करवाएंगे। और कर्ज देने का थवाब मैंने बताया कि 18 गुना सदके से बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो हुक्म है कर्ज देने वाले के लिए, अल्लाह ताला ने फरमाया भाई इंसान जो दूसरा थे, अगर कर्ज लेने वाला जो मकरूज है अगर वो तंदरुस्त है और तुम्हारी जो मुद्दत मुतय्यन हुई थी कर्ज के लेन देन की वो आ गई, उसके पास इंतजाम नहीं हो सका, तो सबसे पहला हुक्म तो ये है कि तुम उसको थोड़ी सी मोहलत दे दो, उसके खुशहाल होने तक उसको मोहलत दे दो। दूसरा हुक्म अल्लाह के ताला फरमाते हैं वान तसद्दकु खैरुल लकुम इन कुंतुम तआलमून, और अगर तुम्हारा मामला ऐसा है कि अल्लाह ने तुमको खूब नमाज रखा है, अल्लाह ने तुमको खूब दे रखा है और सामने वाला जिसने हमसे कर्ज लिया है उसके माली हालात ऐसे है कि जो बहुत ज्यादा बेचारा गरीब है, मजबूरी में उसने कर्ज लिया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं तसद्दकु, पहला हुक्म तो ये मोहलत दे दो, लेकिन अगर अल्लाह ने तुमको दे रखा है, अल्लाह ने तुमको इतना सफी बनाया है कि तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम सद्दकु उसको सदका कर दो, यानी उसके कर्ज को माफ कर दो, वारंट सद्दकु उसको सदका कर दो, खैरुल लकुम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो सदका करना है एक तो मोहलत देना है, उसके साथ अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया खैरुल लकुम, मोहलत देने के बारे में फरमा दे मोहलत दे दो, लेकिन दूसरा हुक्म जो फरमाया अल्लाह ताला वारंट सद्दकु, अगर तुम उसको माफ कर दो सदका कर दो खैरुल लकुम ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, अल्लाह फरमा रहा है ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो, लेकिन हम जानते नहीं है, इसकी हिकमत अल्लाह जानता है। अगर हम किसी तंगदस्त को जिसने हमसे कर्ज लिया मजबूरी की हालत में गरीब है और हमारा मामला ऐसा है अल्लाह ने हमको नमाज रखा है और हमें माफ करने की सूरत में हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए बेहतर यह है कि उस मकरूज के कर्ज को माफ कर दे सदका कर दे, अल्लाह के ताला ने फरमाया ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर किसी कैसे है कि अगर हम किसी तंगदस्त की तंगदस्ती को दूर करेंगे, किसी मजबूर की परेशानी को दूर करेंगे, कयामत के लिए अल्लाह ताला हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर करवा देगा, बड़ी से बड़ी परेशानी को। एक हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कयामत कभी होगा और वहां पर जब मामला ऐसा होगा कि अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कहीं किसी को चैन और सुकून नसीब नहीं हो सकता, तो जो कर्ज देने वाला है, जो किसी कर्जदार के ऊपर एहसान करता है, मकरूज के ऊपर एहसान करता है, उसको मोहलत दे देता है या उसको सदका कर देता है, तो अल्लाह के अर्श के साए में ये सब कयामत के दिन पर मौजूद होगा, यानी इसको कोई खौफ नहीं होगा। तो बड़ा ये जो कर्ज देने का मामला है, इसके मामले में अगर इंसान अल्लाह के अहकाम के ऊपर कुरान के अहकाम के ऊपर अमल करके जिंदगी गुजारे तो हमारी जिंदगी बड़ी बेहतर हो सकती है। तो ये तो कर्ज जो वापस लेने वाला है उसका मामला होता है कि उसको किस तरह का मामला करना चाहिए और उसको जो मुतालबा करना चाहिए नरमी से मुतालबा करना चाहिए, सख्ती का मुतालबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह का मामला हुआ है। और दूसरा मामला आता है कर्ज लेने वाले का कि कर्ज अगर किसी ने ले लिया तो अब वापस करने का उसको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, कैसे वापस करना चाहिए, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने किसी मजबूरी की हालत में किसी से कर्ज ले लिया तो सबसे पहले तो यह है कि कर्ज लेते वक्त हमारी नियत यह होनी चाहिए कि हम उस कर्ज को वापस करेंगे।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कर्ज के लेन देन को उन्होंने पेशा बना लिया। क्या करते हैं, किसी से कर्ज ले लिया, कर्ज लेने के बाद देने का नाम नहीं लेते, कर्ज लेने के बाद उसको वापस नहीं करते, वो लेते ही इसके अच्छे कि हमको देना ही नहीं है। और बहुत से लोग दुकानदार होते हैं बड़े बड़े, वो बैंकों से कर्जे ले लेते हैं और फिर जब उनके पास पावर आती है तो वो अपने कर्जों को माफ करा देते हैं। इसी तरीके का हमारा नीचों में मामला होता है कि हम कर्ज ले लेते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, कर्ज देने का हम बिल्कुल भी नाम नहीं लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने इस नियत से कर्ज लिया कि मैं कर्ज को वापस नहीं करूंगा, मुझे कर्ज वापस नहीं करना है, तो अल्लाह ताला अगर उसके पास माल भी आ गया तो उस माल को अल्लाह जाया कर देगा, वो कर्ज की अदायगी वो कर ही नहीं सकता। और जो इंसान इस नियत से कर्ज लेता है कि मुझे कर्ज को अदा करना है, अल्लाह ताला उसके कर्जों की अदायगी के गैर से अस्बाब मुहैया फरमा देते हैं, ऐसे ऐसे अस्बाब मुहैया फरमा देते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कर्जा ले लिया, वसात है, सब कुछ है, वापस कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद टाल मटोल करते हैं। मेरे जो खुतबे में हदीस पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मकरूर मरीद की जुल्म, ऐसे शख्स जिसके पास जिसने कर्जा ले रखा है और उसके पास वसात है, माल है कि वो उसका कर्जा अपना वापस कर सकता है, अगर कोई इंसान टाल मटोल करता है जानबूझ करके, मकरूर मरीद की मालदार आदमी का टाल मटोल करना, कर्जे को वापस ना करना, ये जुल्म है, यानी उसका शुमार जालिमों के अंदर होगा, वो जालिम होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, जब किसी शख्स का किसी सहाबी का जनाजा लाया जाता सबसे पहले अल्लाह के नबी सवाल करते थे कि क्या इसे कोई कर्ज अदा करना तो नहीं है। सहाबे किराम अगर कहते थे अल्लाह के नबी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, या अगर कर्ज होता और उसकी मिल्कियत के अंदर ऐसा सामान होता कि जिसको बेच करके वो कर्जा अदा किया जा सकता हो, तो अल्लाह के नबी उस सामान को बेच करके उसके कर्जे की अदायगी की जिम्मेदारी देते थे, उसके बाद नमाज पढ़ाते थे, या कोई सहाबी उस कर्जे वाले की अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता था कि इसका कर्जा मैं अदा करूंगा, तब नमाज पढ़ाते थे। एक मरतबा एक जनाजा लाया गया, अल्लाह के नबी ने पूछा इसके पास कोई कर्ज है, आपने फरमाया सहाबा ने जी इसके ऊपर कर्जा है और कोई सामान भी नहीं छोड़ा, किसी ने कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ लो। और ये क्यों था, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मकरूर शख्स की नमाज जनाजा ना पढ़ करके उम्मत को ये तालीम दी है कि कर्ज की अदायगी ना करना ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, कर्ज लेकर के हड़प पर जाना वापस ना करना ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ा गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है एक हदीस में बतला दूं, उस पर नाकों के बाद खत्म करता वक्त हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम एक मर्तबा बैठे हुए हैं, अचानक से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, आसमान की तरफ सर उठाकर के नीचे झुका दिया, सहाबे किराम सारे बैठे हुए हैं, उसके बाद अपने सर पर हाथ मारा और सर पर हाथ मारकर कहने लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसे कैसे सख्त आदाब नाजिल हो रहे हैं। सहाबे किराम फरमाते हैं कि हम सब सकते में आ गए, हम सब के सब लरज गए। सहाबी फरमाते हैं, रावी फरमाते हैं कि उस दिन और एक रात हम सारे के सारे सहाबा सहमे हुए थे, डरे हुए थे, पता नहीं कैसे आदाब हैं, पता नहीं कौन कौन से आदाब इस वक्त में नाजिल हो रहे हैं, कहीं हम उस आदाब के अंदर मुबतला तो ना हो जाए। सुबह को सहाबे किराम फरमाते हैं हमने देखा कोई आदाब नाजिल नहीं हुआ और जो हालात के बिल्कुल सही थे, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, हमने सवाल किया अल्लाह के नबी आपने जुमला फरमाया था कल मजलिस के अंदर के कैसे कैसे सब आदाब नाजिल हो रहे थे, आपने इसका किस मामले की तरफ इशारा फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरअसल वो जो आदाब थे वो कर्जदार के मामले में थे, और फिर फरमाया कि खुदा की कसम अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करके शहीद हो जाए फिर जिंदा हो जाए, फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे फिर शहीद हो जाए फिर जिंदा हो जाए फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करके शहीद हो जाए और तीन मर्तबा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो,
और शहीद का दर्जा जानते हैं, शहीद वो कहलाता है जिसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, उसका खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तीन मरतबा फरमाया, अगर कोई अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए मर जाए, शहीद हो जाए, लेकिन उसके ऊपर अगर किसी का फर्ज है तो जब तक उस फर्ज की अदायगी ना हो जाए जन्नत में नहीं जा सकता, शहीद भी जन्नत में नहीं जा सकता। इतना बड़ा गुनाह है फर्ज को वापस ना कर देगा। और यही मामला ये आता है मेहर के अंदर भी। मेहर भी एक तरह से फर्ज है। इसके सिलसिले में इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी तौफीक दे।